यस। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। आज कुआं थाने के अंदर एक प्रकरण है, लगभग आज से एक महीने पूर्व एक घटना हुई। एक आम आदमी को रास्ते जाता हुआ उसको रोका चुनाव से पहली रात को, और रोक के उसके साथ मारपीट की गई थी, और मारपीट करके इस आदमी को भगा दिया था। और वो आदमी और उसकी गाड़ी में उसको वहां से पुलिस की मौजूदगी में घसीट ले जाके लगभग 500-600 मीटर दूर ले जाके पुलिस की मौजूदगी में जो मुलजिम था उसने उस गाड़ी में शराब रखा, और शराब रख के उस आदमी को उल्टा फंसाया गया। उस प्रकरण को लेके ये परिवादी लोग लगभग एक महीने से इधर इधर भटक रहे, लगभग 15 बार थाने में आ गए हैं, लगभग इनके साथ मारपीट हुई, आज तक तहरीर नहीं दी गई है। एक प्रकरण में घर पे जाके उसी रात को एक घर वाले आदमी को इसके साथ मारपीट की थी, और इसके साथ मारपीट की पूरा परिवार आज 24 अप्रैल से लगा के आज तक उसके घर पे नहीं सो रहा। तालाब इतना खौफ बना रखा है कि ताला बंद करके वो आदमी ये पूरा परिवार सहित बूढ़ी माँ है, छोटे बच्चे हैं, सारे को लेके उनके रिश्तेदारों में रह रहा है। और पुलिस इस प्रकरण में आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, और इसके साथ मारपीट आज तक तहरीर नहीं गई है। इसी प्रकरण को लेके ग्रामीण जनों ने, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, अवगत कराया, मैंने भी कई बार एसपी मैडम को, यहाँ के थानेदार को, डिप्टी को कहा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी प्रकरण को लेके गांव सुबह से बैठे हुए लोग, मुझे मजबूरन होकर आज थाने में आना पड़ा है, और हम आज धरने पे बैठे हैं। जब तक जो दोषी पुलिस वाले हैं जो इस पटनाग्रह में, क्योंकि पुलिस यहाँ की पुलिस, कुआं थाने की पुलिस, मतलब ये कह सकते हैं हम कि वो एक नारा है, स्लोगन है कि अपराधियों में डर आमजन में विश्वास, ये उल्टा हो चुका है। अपराधी साथ में मिलकर पुलिस में काम कर रहे, आमजन को डराया जा रहा है। इस प्रकरण में इस परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलता है, इसमें मुकदमा दर्ज नहीं होता है, तब तक हम अनिश्चित काल के लिए धरने पे यहाँ कुआं थाने में रहेंगे। क्योंकि डूंगरपुर पुलिस एक तरह की तानाशाही बना रखी है वर्तमान स्थिति में। यहाँ पर चोरी हुई है पड़ोस में ही, चोरी भी पुलिस की लापरवाही, पुलिस थाने के जस्ट पास में चोरी हुई 20 लाख की, कई घटनाक्रम हो रहे हैं, पुलिस बिल्कुल मुक दर्शक बन के बनी हुई है, गुंड लोगों के साथ में तालमेल बना के पुलिस यहाँ की काम कर रही है। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे।